तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नवे वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं शनि शिंगणापुर शनि देव के दर्शन करने के लिए। हमारे नांदेड़ से करीब 320 किलोमीटर दूर शनि शिंगणापुर, अभी हम वहां जा रहे हैं। शनि शिंगणापुर की और यह खास बात है कि वहां पे उस गांव में किसी भी घर को डोर नहीं होता है, और घर को डोर नहीं होने के बावजूद भी वहाँ पे कभी भी चोरी नहीं होती है, इसीलिए वह जागृत देवस्थान माना जाता है। अब बस कुछ ही देर में हम मंदिर पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम शनि शिंगणापुर पहुँच चुके हैं। अभी हम हैं मंदिर के ठीक सामने, और मंदिर के ठीक सामने बना है पेड पार्किंग, जो कि ट्रस्ट की तरफ से है। जब आप मंदिर की तरफ आएंगे तो जबरदस्ती लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, हमारी शॉप में पार्किंग लगा लो। आप उनके चक्कर में मत पड़ना, जो संस्था की तरफ से पेड पार्किंग बना हुआ है वहीं पे पार्किंग लगाना। संस्था की पार्किंग एरिया के ठीक पीछे ही शनिदेव ट्रस्ट की ओर से भक्ति निवास और भोजनालय भी मिलेंगे। अगर आपको भक्ति निवास में रूम बुक करना है तो आप शनिदेव ट्रस्ट ऑफिस में जाके रूम बुक कर सकते हैं। मात्र सिर्फ 300 रुपये से आपको नॉन एसी रूम मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं मंदिर में। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। मंदिर के अंदर जाते ही आपको एक त्रिशूल दिखाई देगा। अगर आप शनि देव को पूजा का सामान अर्पित करना चाहते हैं तो आपको काला कपड़ा इसी त्रिशूल पर चढ़ाना होगा, और वह पत्तों की जो माला होती है इसी त्रिशूल पर अर्पित करनी होती है। आपने जितना भी बेल फूल नारियल लाया होगा, एंट्री गेट पर ही आपको जो सेपरेट बास्केट दिखाई देंगे उसी में आपको अर्पित करना होगा। सरसों या तिल के तेल के अलावा भगवान शनि देव को बाहर का कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ाने दिया जाता। यही जो कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है, इसी कंटेनर में आपको तेल चढ़ाना होता है, और कहा जाता है कि यही जो तेल है 24 घंटे शनि देव को चढ़ाया जाता है एक पाइपलाइन के माध्यम से। और अगर से आपको करीब से तेल चढ़ाना है तो आपको अलग से 500 रुपये देकर पावती फाड़नी पड़ेगी, तो आप नज़दीक से जाके तेल चढ़ा सकते हैं। अगर से आपने पावती नहीं भी फाड़ी है तो जो आपने कंटेनर में तेल चढ़ाया है वही तेल, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लोटे के माध्यम से चढ़ते हुआ आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ आने के बाद दिखाई देगा कि शनिदेव बिना किसी मंदिर के और बिना किसी छत के विराजमान है। भगवान शनिदेव का जो शनि शिंगणापुर में विराजमान होने का जो इतिहास है वह लगभग 400 साल पुराना है। पौराणिक कथा के अनुसार 400 वर्ष पूर्व यहाँ एक बाढ़ आई थी। उसी बाढ़ में शिला यानी कि पत्थर बहकर नदी किनारे आ गया था। जब उसे गांव के निवासी ने देखा तब उसे लकड़ी से छूने की कोशिश करी, तब उस शिला पर एक चोट का निशान पड़ गया। उसी रात शनिदेव ने एक गाँव के निवासी को सपने में दर्शन दिए और अपने होने की जानकारी दी। उस शिला को उठाने के लिए करीब 100 जन जमा हुए, फिर भी वह शिला को कोई भी नहीं उठा पाया। फिर एक बार सपने में आकर शनिदेव ने बोला, इस शिला को सिर्फ मामा और भांजे की जोड़ी ही उठा सकती है। तभी एक मामा और भांजे की जोड़ी ने बैलबंडी पे उस शिला को शनि शिंगणापुर ले आए, और जहाँ पर बैलबंडी रुक गई उसी जगह पर शनिदेव की स्थापना की गई, और पूरे देश में शनिदेव का यही प्रमुख पूजा क्षेत्र है, जिसमें सबसे मुख्य सवे सवे की काकड़ा आरती होती है, और तीनों वक्त की आरती होने से पहले शनिदेव को
नीले या फिर काले रंग की नवी धोती पहने, क्योंकि शनिदेव को नीला और काला रंग अति प्रिय है। अहंकार को तोड़ के शनि जी, अहंकार को तोड़ के शनि जी देते हैं शुभ परिणाम, शत शत कोटि प्रणाम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।